खेले कूदे दौड़े सन, नाचे कूदे झूमे सन, खेले कूदे दौड़े सन, नाचे कूदे झूमे सन। मिलजुल कर हम काम करें तो हो जाए सब दंग। CIET प्रस्तुत करता है उमंग 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 उमंग। उमंग में आज सुनते हैं कार्यक्रम नन्ही वीरांगना मैना। बच्चों, प्रसिद्ध क्रांतिकारी नाना साहब पेशवा का नाम तो तुमने सुना ही होगा। उनकी पुत्री मैना भी अपने पिता से कम नहीं थी। उसने तो छोटी सी उम्र में ही अंग्रेजों से टक्कर ली थी। मैना ने अपनी जान दे दी, लेकिन अंग्रेजों के सामने गिड़गिड़ाई नहीं। समय भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, सन 1857। आ गया कायर। नाना साहेब पेशवा, मेरा भी नाम हे है, मुझसे बचकर किधर जाएगा। है सिपाहियों, यस सर, चलो सब पेशवा के महल की ओर। ये रहा महल, पहले लूटो इसको। रुक जाओ। आई लड़की, तुम हट जाओ वहां से। मैं नहीं हटूंगी यहां से, ये मेरा महल है। आप इस महल को तोप से क्यों उड़ाना चाहते हैं? आपके सिपाही हमारे महल को क्यों लूट रहे हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? ओ, क्या बकवास काटी है? तुम कौन हो? जी, मैं वो आपकी बेटी मैरी की सहेली हूँ। ओ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो तुम नाना साहब की बेटी मैना हो? जी। तभी इतना बहादुर हो। तभी वहां अंग्रेजों का प्रधान सेनापति आउट्रम पहुंचता है। सेनापति हे उसे मैना का परिचय देते हुए उसकी जिद के बारे में बताता है। आउट्रम बहुत चालाक और क्रूर था। उसने सोचा, लड़की को पकड़कर उससे नाना के बारे में पूछा जा सकता है। नाना पर 1,00,000 रुपए का इनाम भी है और इस बच्ची को फुसलाकर या डराकर सब कुछ उगलवाया जा सकता है। फिर क्या था, मैना को पकड़कर कानपुर के किले में बंद कर दिया गया। उधर पेशवा के महल को अंग्रेज सिपाहियों ने तोप से उड़ा दिया। अगले दिन, ऐ लड़की बताओ, किधर है तुम्हारा पिता नाना साहब पेशवा? कहाँ छुपा है बताओ? मुझे कुछ नहीं मालूम, और पता भी होता तो भी तुम जालिमों को कुछ नहीं बताती। अच्छा, कुछ नहीं मालूम, मारो इसको, अभी मालूम हो जाएगा। जी सर। नहीं, अच्छा,
सामने गिड़गिड़ाऊंगी नहीं, चाहिए मुझे मार ही क्यों ना डाले। ऐसे नहीं बताएगी, काफी मजबूत है। पता नहीं किस मिट्टी का बना है ये हिंदुस्तानी लोग। उम्र छोटी सी और इतनी हिम्मत। ऐसे भाई इसे खंबे से बांध कर मारो। ओके, अभी सब बताएगी। बन गई खंबे से, इसको और मारो। ठीक है सर, मारो। मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी। अरे ये तो बेहोश हो गई। तुम लोग रुक क्यों गया? मारो और मारते रहो जब तक ये पता नहीं बता दे। साहब ये तो बेहोश हो गई। तो पानी डालो, होश में लाओ। ओके, फिर मारो। ओके, ठीक है साहब। आउटरम ने मैना को बहुत सताया, बहुत यातना दी, पर मैना टस से मस न हुई। उसने मुंह नहीं खोला। साहब चिता तैयार हो गई। अच्छा, आप इसमें फायर जलाओ। आग लगाओ उसको। जी सर। आप आएगा मजा, और चलने दो। अब भी बोल दे लड़की, मना मार कर दूंगा। कुछ नहीं बताऊंगी मैं। बता कहाँ है नाना साहब पेशवा, बताओ। नहीं बताऊंगी, कुछ भी कर लो। नहीं तो सिपाहियों पकड़ ले इसको, आग में दोबारा। उसके बाद जो मैना चिता में गई तो फिर लौट कर ना सकी। जालिम आउटरम ने उसे जिंदा ही जला डाला। अपने जीते जी उसने अनेक अत्याचार सहे, लेकिन मातृभूमि के विरुद्ध मुंह नहीं खोला, अंग्रेजों के सामने याचना नहीं की। इस नन्ही वीरांगना पर मातृभूमि को गर्व है। नन्ही वीरांगना मैना। अभी आप सुन रहे थे CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत ये कार्यक्रम। विषय संयोजन अमरेंद्र बेहरा, आलेख विजय शर्मा, कलाकार वीणा होरा, कीमती आनंद, शांति एस कालरा, अशोक मलकानी, मंगतराम और आरती बख्शी, ध्वन्यांकन दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन। खेले कूदे दौड़े संग, नाचे कूदे झूमे संग, खेले कूदे दौड़े संग, नाचे कूदे झूमे संग। ला 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 ला।